हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिटी के टिवारिया चैनल। तो देखिए, मैं आज आपको कढ़ाई वाला सूट कट करना बताऊंगी। दो तह में मैंने इसको बिछा लिया है और मेरा सूट जो है वो मैंने सीधे तरफ से बिछाया ताकि जो मेरी कढ़ाई है वो बिल्कुल भी मिस ना हो जाए, कट ना जाए। 40 इंच की लंबाई मैंने ली है, तीरा मैंने लिया है 7 इंच। 14 इंच का हाफ लेना है आपको तीरा, जितना जिसका हो उसका हाफ ले लेना। और यहाँ आर्म होल के लिए मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। आप चाहो तो इसे तीरे के बराबर 7 इंच पर भी ले सकते हो। उसके बाद हम तीन जो निशान होते हैं वो बहुत ध्यान से याद कर लेंगे। सबसे पहले लगाएंगे 7 इंच पर, उसके बाद लगाएंगे 15 इंच पर, आप चाहो तो 14.5 भी ले सकते हो, और उसके बाद हम आगे लगाएंगे 21 इंच पर। बस ये तीन निशान आप याद कर लो तो बहुत ही आसानी तरीके से आप निशान लगा सकते हो अपने सूट का। तो इन तीनों निशानों को मैं आगे तक कर दूंगी और इसी पर आगे का मेज़रमेंट हम करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये तीन ही निशान होते हैं तो इनको मैंने तीनों को आगे तक बढ़ा दिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लेंगे अपना सीने का फोर्थ भाग और उसमें 1.5 से 2 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 12 इंच, आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। यहाँ पर कमर का निशान लेंगे, फोर्थ भाग लेंगे कमर का और उसमें 1.5 से 2 इंच मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 11 इंच, और नीचे की तरफ जो है वो हमारा होता है कमर का निशान, जहाँ पर हमारा चाक बनता है, तो वो मैंने 12 इंच लिया है। तो ये तीनों निशान जो है इनको मैं ऐसे मिला दूंगी। और ये देखिए, यहाँ पर हल्का सा कर्व आता है। अब बॉटम की तरफ ले लेंगे, कढ़ाई को बचाते हुए थोड़ा सा बढ़ा कर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 13 इंच, और इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। चाहो तो इंची टेप से मिला लो, चाहो तो स्केल से मिला लो। तो एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए मैंने निशान लगा लिए हैं। अब आते हैं आर्म होल पर, आर्म होल मैंने ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हम लगाएंगे अपना गले का निशान, 3 इंच पर मैंने निशान लगाया है। आप चाहो तो सिंपल गला बना लो, आप चाहो तो रेडीमेड गला रख कर भी बना सकते हो। तो पहले मैंने सिंपल गला बनाना सोचा था, बट उसके बाद मेरे पास रखा हुआ था रेडीमेड गला, तो मैंने वही रख कर डिज़ाइन उसी पर ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये है वो नेक रेडीमेड वाला मैंने निशान ड्रॉ कर लिया है, और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो आप चाहो तो आर्म होल से भी कट कर सकते हो, और आप चाहो तो अपना नेक से भी कट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो नेक ड्रॉ किया था वही कट कर रही हूँ। उसके बाद सारा सूट जो है वो धीरे धीरे करके हम आगे तक कट कर लेंगे। जहाँ पर जो निशान लगाया है बस उसी के अकॉर्डिंग कट करते जाना है। चाहो तो आप हल्का सा मार्जिन छोड़कर, 1-2 सूट छोड़कर आगे बढ़ाकर कट कर सकते हो। मार्जिन जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही अच्छा है। नेक में और आर्म होल में ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं, आगे की तरफ जो है बाकी वहाँ सभी जगह हम मार्जिन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा तीरा तो बढ़ता नहीं है। 8-10 सालों तक तीरे में इतना फ़र्क नहीं आता है, बट हमारी चेस्ट और हमारी कमर जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रख कर आप इसको कट कर सकते हो। जो आपने निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप कट करते जाइए। तो ये देखिए, मैं भी आराम से धीरे धीरे कट कर रही हूँ ताकि मेरी कढ़ाई जो है वो ख़राब ना हो जाए। और नीचे की तरफ भी मैंने बॉटम पार्ट जो है वहाँ से भी एक बार फिनिशिंग के साथ मिलाते हुए कपड़े को मैंने इसे कट कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही आसान है, मेरे बताए हुए पॉइंट को याद रखिए तो आप किसी भी सूट की कटिंग को बहुत आराम से कर सकोगे, निशान बहुत आराम से लगा सकोगे। तो देखिए, मैंने सारा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखा दिया है, और ये मेरा बैक पार्ट है। मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लिया है। बॉटम की तरफ 2 से 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, क्योंकि हमें वहाँ पर उसको फोल्ड करना है। और ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। ठीक है, आप चाहो तो निशान लगाकर कट कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे ही रख कर कट कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम अपना नेक ड्रॉ करेंगे, जो हमारा बैक साइड वाला है। 3 इंच के करीब मैंने इसकी ली है, ये देखिए, और लेंथ मैंने लिया है इसका, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर मैंने लिया है 6 इंच, आप चाहो तो 7-8 इंच भी ले सकते हो। रफली ड्रॉ किया है, और उसके बाद जैसा मुझे चाहिए था वैसा मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये देखिए, हमारे दोनों पार्ट जो हैं वो कट कर रेडी हो चुके हैं। आर्म होल जो है वो बैक पार्ट का थोड़ा सा कम होता है और फ्रंट पार्ट का थोड़ा सा गहरा होता है। तो ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से मैं आपको बाजू बनाना बताऊंगी। तो अभी मैंने 2 फोल्ड में बिछाया है इसको, इसके बाद मैं इसे 4 फोल्ड में कर लूँगी। ये देखिए, इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद 4 फोल्ड में बिछा लिया, इसके बाद अपनी लेंथ लोगे, जितनी लंबाई आपको चाहिए, और उसमें 1 से 1.5 इंच आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने छोटी बाजू बनाना सोचा है, तो मैंने 8 इंच लिया है, और दूसरे साइड भी मैं 8 इंच पर निशान लगा दूंगी। और उसके बाद नीचे की तरफ डाउन में आएंगे हम, 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। बाजू की ड्राफ्टिंग बहुत ही ईजी है। और यहाँ पर मैंने लिया है अपना जो मोहरी होती है बाजू की, वो 7 इंच, और बस इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इसे कट कर देंगे। बहुत ही आसान है। और ये ऊपर की तरफ देखिए, ये आर्म होल जो होता है हमारा, ये है, ये आया है मेरा
10.5 इंच जितना जिसका आर्म होल हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको नाप कर देख सकते हो। अगर आपके आर्म होल से जो आपने कुर्ती कट की है उससे बिल्कुल फिट हो रहा है तो आप अपना बाजू को कट कर लीजिए। एक्स्ट्रा मार्जिन आपको ज़रूर रखना है 1/2 इंच या 1 इंच के करीब। तो ये देखिए बाजू में एक और हल्का सा गहराई होती है जो हमारे फ्रंट का पार्ट है उसमें जुड़ती है, तो ये हल्की सी गहराई होती है, हल्की सी तिरछी होती है, ये देखिए कर्व होता है इसमें। तो बस मैंने इसको निशान लगा कर और कट कर लिया है। जब मैं इसे फोल्ड करके दिखाऊंगी आपको तब समझ आएगा कि ये वाला निशान कैसा होता है और इसकी कटिंग कैसी होती है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और नीचे वाला हमारा बैक पार्ट है, ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। ये बाजू है, ये देखिए इसमें गहराई आपको अच्छे से दिख रही है। ये मेरी तिरछी पट्टी है बैक वाले नेक में लगाने के लिए और ये मेरा फ्रंट वाला गला है। तो ये देखिए हमारी कटिंग पूरी हो गई।